आम चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी में 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से टिकट दिया है। हालांकि पार्टी को इस ऐलान के कुछ देर बाद ही बड़ा झटका लगा है। मैनपुरी से सपा नेता और उद्योगपति मनोज यादव ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। बता दें कि मनोज यादव को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी माना जाता था। मनोज यादव RCL ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने सपा में पारिवारिक कलह अधिक होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर नेताओं के चाटुकारिता और एक दूसरे की टांग खींचने का आरोप लगाया है। मैनपुरी नगर के स्टेशन रोड निवासी मनोज यादव 2 दशक से सपा से जुड़े रहे हैं। वे मूल रूप से करहल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगला राजा के रहने वाले हैं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को जिताने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन अब उन्होंने सपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मनोज यादव ने कहा, सपा अब जनता के लिए काम नहीं कर पा रही है। बीजेपी सरकार में बिना किसी पक्षपात के काम किया जा रहा है। उनकी कंपनी के पास भी करोड़ों रुपए के काम है। सर, समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, अब क्या कुछ खास वजह हो गई जिसके चलते इस्तीफा देना पड़ गया? चलिए, घर में अब अंदरूनी कलह की वजह से यहाँ पार्टी के मैनपुरी स्तर पे काफ़ी गुट बने हुए हैं और नेता जो हैं पार्टी समाजवादी पार्टी के, वो पब्लिक का काम न करते हुए एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, जिससे कि व्यथित होकर ही मैं यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब आप तो बड़े स्तर पर व्यापार भी करते हैं, समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख भी रहे, अखिलेश जी के काफ़ी करीब ही माने जाते हैं, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला कि इस्तीफा न देना पड़ता? एक्चुअली अखिलेश जी हमें राजनीति में लेके आए थे, उनकी वजह से मैं ब्लॉक प्रमुख भी बना था, लेकिन ऐसी गुटबाजी हो गई है और जब सरकार थी उस समय भी हम कोई काम भी नहीं कर पाते थे, चूँकि हमारा मेन धंधा तो बिजनेस है। और आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उससे कई 10 गुना करीब 5-6 हज़ार करोड़ के हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ एक तो नीतियों से भटक गए, दूसरे एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं और NDA सरकार की जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर मैं सपा पार्टी को छोड़ रहा हूँ। क्या लग रहा है कि मोदी जी के टाइम में देश में सरकार ठीक चल रही है? हाँ, मोदी जी के टाइम में अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुँची है, दुनिया में देश का नाम हुआ है और ख़ासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। गडकरी जी की रोड सेक्टर में बहुत बढ़िया काम किया है, तो NDA सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रभावित हैं आप उनसे? हाँ, कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित। हालांकि मनोज यादव ने ये साफ नहीं किया है कि वे बीजेपी में जाएंगे या नहीं। मनोज के सपा छोड़ने से मैनपुरी जिले में पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।